बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। नाश्ता जी सब घर वालों ने देर से किया था क्योंकि आज थी छुट्टी, तो हस्बैंड भी आराम कर रहे थे, तो दोपहर का टाइम भी हो गया था। तो मैंने दोपहर के खाने में जी आलू बनाए क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे मैंने आपको LCD लेकर आया, तो उसकी वजह से मैंने आपको पार्टी देनी, तो दोपहर भी यही ऐसे करते करते गुजर गई। कुछ लेकर आने का इनका मूड ही नहीं था क्योंकि देर से उठे थे, नाश्ता इतनी देर से किया, तो मैंने बोला बच्चे तो मदरसे गए हुए बच्चों की, क्योंकि आज छुट्टी नहीं थी ना, तो बच्चे मदरसे को वो आ जाएंगे, वो तो खाना मैं जिसमें तरह से मैंने बनाए आलू फ्राई, तो मैंने बोला आज कर लेते हैं मैंने दोपहर के खाने में आलू फ्राई। तो अभी शाम को देखते हैं ये क्या हमें ट्रीट देते हैं, जहाँ इसी तरह रात को भी कुछ ना कुछ गुजारा कर लेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं ट्रीट दी हमें, तो अभी मैंने बोला रोटी बना लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि काम करते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता, ऐसे बस गुजर जाता है। जल्दी जल्दी मैंने काम किया क्योंकि उठे भी देर से थे। खैर इन्होंने तो अभी देर से नाश्ता किया है, कम से कम 1 बजे नाश्ता किया, तो इनको अभी दोपहर की खाना भी नहीं मिलेगा, ये खाएंगे रात को। आप तो रात को खाएंगे ना खाना? मैं रात को खाऊंगा, आप भी रात को खाना। क्यों, हम क्यों रात को खाएं, हमने तो टाइम से कर लिया था ना, अब तो उठ गए थे ना, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं ना, जितनी देर भी सो जाए तो मेरी उसी टाइम पे आप खुल जाती है। खाना वगैरह जी दोपहर का खा लिया, तो मैं आई कि पौधों को पानी वगैरह डाल दें, क्योंकि मैंने बोला उनको पौधों को पानी डाल देती हूँ क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है ना, तो ये खुश्क हो जाते बहुत जल्दी। तो मैंने बोला जो मैंने नई नई चीज़ें लगाई हैं वो भी सर्दियों वाली, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये जी लगाया मैंने, आपको पहले भी दिखाया था, ये जी लगाया मैंने देसी लहसुन, ये देखिए माशाल्लाह से अब काफ़ी बड़ा हो गया। ये जी मेरे हस्बैंड ने लगाया ये धनिया, और ये है जी पुदीना, ये भी ये अच्छा ग्रोथ कर रहा है। हाँ, ये डंडियाँ ला के लगाई थी और ये देखें ग्रोथ करने लग गई ना। 2-3 दफ़ा लगाया था पहले, लेकिन वो गलत बताया था। तो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल लग रहे हैं ना, वाइट और अच्छी। ये पालक आपने पहले भी देखी थी? हाँ जी, अब तो बड़ी हो गई, कम हुई है इसमें माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा, ये टोकरी भरी हुई है, ये पता भी नहीं चलेगा, जल्दी से हो जाएगी। तो इसकी पहले बनाएंगे इसके पकोड़े, इनको पकोड़ों की पड़ जाते हैं क्योंकि पालक के पकोड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि पालक की कोई सब्जी बनाते हैं वो तो कोई खाता नहीं। इसमें मैंने कल मेथी लगाई है, ये भी निकल रही है देखें, ये भी होती है ना, ये निकल जाती है। दोनों टोकरियों में मेथी लगाई, अभी इसमें कुछ भी नहीं लगाई, ये छोड़ी हुई है। और बैंगन माशाल्लाह से हमारे बड़े हो गए, अब इनको भी तोड़ते हैं आज। मैं बोला इनको भी तोड़ देते, कुछ छोटे लगे हुए कुछ बड़े लगे हुए, ये तो देखे ये सबसे तो बड़ा बैंगन लगा हुआ है, ये काफी दिनों से तोड़ा ही नहीं था, मैंने बोला बड़े हो जाएंगे ना तो वो सही बनेंगे। तो यहाँ पर भी लगा हुआ है बैंगन, काफी लगे हुए यहाँ पर भी है, और ये देखें इधर भी बैंगन लगा हुआ है, और ये पूरे छोटे छोटे से भी लग रहे हैं, पूरे पौधे में बैंगन ही बैंगन है माशाल्लाह से। इस साल हमने बोला था 2 साल हो गए इसको, मैं इनको काटने वाला था लेकिन मैंने सोचा इस साल छोड़ देता हूँ, छोड़ देते हैं, तो लेकिन इस साल तो माशाल्लाह से बैंगन काफी सारे लगे हुए हैं। तो जो भी फूल बनता है ना तो माशाल्लाह वो बैंगन में तब्दील हो जाता है। अभी जी मैं लेकर आती हूँ सीजर और टोकरी, तो जिसमें बैंगन काट के रखने, ये जी आ गई है बांस की, तो सीजर और इसको मैं मिला करके काटती हूँ। वैसे तो इसकी डंडी बहुत मजबूत होती है ना, वो हाथ से टूटती नहीं है, टेनी टूटने का डर होता है ना। और क्या तो लग रहा है आपसे सीजर से भी कटी, सीजर तो कितनी बड़ी लेके आई है, सीजर मेरी बड़ी नहीं थी ना, मैंने यहाँ से छोटी ले ली ना, मैं बड़ा इसी कर दिया, मुझे क्या पता ही थी। ये जी मैंने पहला ये देखिए तोड़ लिया, चलो काट लो जल्दी जल्दी से सारे, और कौन सा ये वाला, ये वाला काट लो, छोटे छोड़ दो उनको कल काट लेंगे। पौधे टूटने का डर होता है ना, पौधा ना टूट जाए, ये वाला ये लगा हुआ है, ये छोटा है अभी, इनको छोड़ दो, इस साइड पे लगा हुआ है, ये वाला काट लो, ये वाला 4 बैंगन जी ये देखे मैंने तोड़ लिए हैं, जो 4 लगे हुए हैं बिल्कुल ही छोटे थे, इनको मैंने छोड़ दिया, ज्यादा छोटे भी नहीं है ये, कल तक हो जाएंगे। हाँ, तो मैंने बोला करते बड़े हो जाएंगे ना बिल्कुल, अभी इतने छोटे छोटे क्यों तोड़ने, तो ये मैंने छोड़ दिए अभी भी, तो मैंने बोला इसको बाद में तोड़ लेंगे। ये देखें ये तो छोटा था ना, ये देखें ये छोटा है, वो दूसरी वाला बड़ा है, ये देखें
उनको सुबह तोड़ लेंगे, उनको सुबह तोड़ लेंगे। देखिए ताज़े ताज़े बैंगन हमारे बिल्कुल फ्रेश मेरी तरह। काफ़ी दिनों से जी घर का सामान ख़त्म था, तो मैंने बोला जाके आज सामान लेकर आ जाए, तो आज तो बिल्कुल ही एंड हो गया था, तो आज सामान लेकर आ जाए। आप भी गए थे शाम को सामान लेने, तो अभी सामान लेकर आए, देख लेती हूँ जो जो मैंने बोला था वो ही लेकर आए हैं। जा वहाँ पर जाके भूले तो नहीं, महीने का एंड हो रहा था ना, डाले अलसी के लड्डू बनेंगे ना इससे। पहले निकाल लो सारा एक साथ। सामान जी मैंने सारा कट्टे में से निकाल लिया है, तो अब इनको दालों को डाल लेते हैं जारों में। ये जी बड़ी बड़ी में डाल देती हूँ, आज तो मैं वैसे ही रख लूंगी, ऐसे रख लेते हैं। वो बेसन वाली बड़ी पड़ी हुई ना फ्रिज में, वो लेकर आऊँ, ये लग जाती है ना, ये बेसन, ये मैदा, ये चीज़ें नहीं, ये फ्रिज में जाएंगे। नहीं नहीं ये मुझे डालना, ये भी फ्रिज में है, ये आप रख के आओ ये दाले जो बड़ी है ना पहले ये लेकर आओ, उसके बाद दूसरा सामान लेकर आना। वगैरह जी सब मैंने समेट लिया है, तो आज भी हमें पार्टी नहीं मिली। एलसीडी की खुशी में बोल रहे थे मैं हमको शाम को मैं पार्टी करूंगा, लेकिन आज भी कुछ भी नहीं मिला, ऐसे ही बस सारा दिन गुजर गया। तो मैंने चिकन पड़ा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने वो ही निकाल के कढ़ाई बना ली, टमाटर डाल के मैंने बोला ये बना लेती हूँ, पार्टी फिर दूंगा आपको। चलो आपकी पार्टी, तो टाइम नहीं मिला ना, आप खुद ही खाओगे। तो ये भी तो पार्टी है ना, ये छोटी पार्टी है, ये भी तो पार्टी है, ये करें बड़ी बाद में कर लेंगे। मामा खिलाए, ये जहन खा के बनाएगा, बताएगा मामा ने कैसी बनाई। सही बस हम लोग गुजारा है। अच्छी बनी है, देखो मामू ने बोल दिया अच्छी बनी है। मैं खुद ही खा के टेस्ट करके आपको बताती हूँ कैसी बनाई मैंने। क्या हाँ आपके मुंह में भी निवाला गया नहीं है, मजे की है। तो आपको नहीं अच्छी लग रही ना, आप छोड़ दो, आप छोड़ दो, आप छोड़ दो, मैं खुद ही खा लूंगी। सही है, खाना वगैरह जी खा लिया है, तो सर्दी भी आज बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मुझे भी ठंड लग रही है। तो अभी जी हो गया सोने का टाइम, तो आज का ब्लॉग जी करते हैं यहीं पर ख़त्म। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को जल्दी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।